कलर का कवर ले लूंगी। तो हाँ, सपने बाद में देखेंगे हम। ये लास्ट बैग है जो क्यूट नहीं मच्योर्ड है। Welcome back to my channel and welcome to today's video. So today's video is a Meesho bag haul. Finally, I have been eyeing on Meesho ke bags since a really long time and finally mere paas sare bags aa chuke hain and is month mein hi maine sare bags order diye hain and within a week and two I have got all of them and I'm super duper excited to share it with you guys. By the way, मैंने इससे पहले मीशो का एक टॉप का हॉल भी किया था, टॉप्स अंडर ₹300। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसको वहाँ यहाँ पे कहीं पे लिंक कर दूंगा, देख लेना, ठीक है? लिंक कर दूंगी, देख लेना, ठीक है? तो अभी चलिए शुरू करते हैं मीशो के बैग हॉल से। जितने भी बैग्स मैंने लिए हैं ऑल ऑफ देम आर लाइक सुपर सुपर क्यूट, सब बहुत वर्सेटाइल है, एक दूसरे से बहुत अलग है और थंबनेल पे एक दो आपने देख ही लिया होगा। So yeah, I'm really excited and if you guys are also interested then without much blabbering, let's get started. Okay, so the first bag that I got is this one right here. This is a very very cute grey color bag, आप देख सकते हो, with cute daisy prints on it. पीछे भी है और आगे से भी है daisy prints and also it has got a long chain like this, तो आप इसको as a sling bag भी मतलब पहन सकते हो. अदरवाइज इट हैज़ अ वेरी Y2K वाइब वाला बैग है ये, तो आप ऐसे इसको पहन सकते हो बेसिकली। तो बैग के अंदर का कंपार्टमेंट आपको अगर दिखाने जाऊँ तो इट इज़ क्वाइट स्पेशियस। इसके अंदर ये एक कंपार्टमेंट है विथ चेन एंड दूसरा नहीं, ये वाला कंपार्टमेंट है विथ चेन एंड ये वाला एक पॉकेट है बिना चेन का, ठीक है? सो दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक। आई रियली रियली लव दिस बैग। ये पहला बैग है जो मैंने अपने कार्ट पर डाला था एंड I don't know, the material is not leather obviously, but हाँ मतलब अच्छा है material and काफ़ी दिन तक चल जाएगा लगता है अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो। And the print is really very cute. It has got gold detailing on the chain. पीछे भी एक chain है जैसा कि आप देख सकते हो with gold detailing in it. और ये जो चेन है इसको मैं आई गेस निकाल दूंगी क्योंकि मैं इसको एज अ स्लिंग बैग तो यूज़ नहीं करूंगी। सो या आई एम जस्ट गोना यूज इट लाइक दिस ऐसे। बाय द वे रिटेल फॉर ₹333 जो कि काफी अफोर्डेबल है। सो या आई लव इट। नेक्स्ट अप वी हैव दिस क्यूट व्हाइट कलर बैग जो कि मेरे पिछले बैग से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा सा छोटा है, बट इट्स सुपर सुपर क्यूट। पहला वाला जो बैग दिखाया था उसका मटेरियल शाइनी नहीं था, इट वाज मैट, बट दिस वन इज काइंड ऑफ शाइनी एज यू कैन सी। और इसके आगे ऐसा चेन भी दिया हुआ है स्टाइल के लिए, सो आई रियली लाइक। ये चेन लंबा नहीं है टू यूज एज अ स्लिंग बैग, बस ये स्टाइल के लिए दिया हुआ है। सो इट रियली लुक्स नाइस, शीक एंड वेरी वेरी क्लासी। आई रियली लव दिस बैग। इसके अंदर एक ही कंपार्टमेंट है एंड बैग भले ही छोटा है लेकिन काफ़ी स्पेशियस है। एज यू कैन सी आप इसको ऐसे मतलब खींच के इसके अंदर बहुत कुछ डाल सकते हो, ठीक है? और इसके अंदर एक और कंपार्टमेंट है, इफ़ यू सी एक चेन दिया हुआ है, सो अंदर एक और कंपार्टमेंट है। बाकी दिस इज द बैग सुपर सुपर क्यूट। इट रिटेल फॉर ₹417। आई थिंक इस हॉल में सबसे ज़्यादा प्राइस इसी बैग का है, तो आई एम क्वाइट हैप्पी। आई थिंक 417 में इट इज़ क्वाइट अ नाइस पिक। दिखने में भी काफ़ी क्लासी है, एज यू कैन सी बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है। मटीरियल ऑब्वियसली लेदर नहीं है, बट हाँ लेदर टाइप मतलब फेक लेदर टाइप का मटीरियल है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। बिकॉज दिस इज़ अ वाइट कलर बैग सो यू कैन स्टाइल इट लिटरली विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो मुझे चाहिए था एक वाइट कलर बैग बिल्कुल ऐसा अपने कलेक्शन में, सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द बैग। ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव इज द चीपेस्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन जो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल था एंड इट इज दिस ग्रीन सेज ग्रीन पेस्टल ग्रीन कलर बैग विथ वेरी क्यूट रिबन डिटेलिंग ऑन इट। सैटिन रिबन का डिटेल है ये, सिल्क सैटिन काइंड ऑफ रिबन जो कि मतलब शाइनी रिबन वाला डिटेलिंग है। एंड लुक एट द बैग, इजंट इट क्यूट, लाइक इट्स सुपर क्यूट। चुटकू सा है लेकिन इतना भी चुटकू नहीं है, बट या इट्स सुपर डुपर क्यूट। एंड अंदर ऐसा एक ही कंपार्टमेंट है, उसके अंदर ये देख सकते हो एक पार्टीशन वाला कंपार्टमेंट है जिसपे एक चेन है, तो उसके अंदर आप चीज़ें रख सकते हो, काइंड ऑफ अ पॉकेट, और बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। बाय द वे पहला पिछला वाला बैग जो मैंने दिखाया था उसको आप ऐसे पुल करके उसको ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हो, लेकिन इसको आप ज़्यादा स्पेशियस नहीं बना सकते क्योंकि इसको ज़्यादा पुल नहीं कर सकते, ठीक है? तो फिर भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी क्योंकि काफ़ी मतलब
यहाँ से लेंथ काफ़ी, हाइट काफ़ी बड़ा है, सो काफ़ी चीज़ें अंदर आ जाएगी, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है। पीछे कोई चेन वेन दिया नहीं है, सो दिस इज द स्टाइल ऑफ द बैग। दिस रिटेल फॉर ₹283 ओनली। या आई जस्ट कांट बिलीव दिस बैग इज फॉर ₹283, बट इट्स क्वाइट गुड। ये स्लिंग बैग टाइप का है काइंड ऑफ, लेकिन ये जो रस्सी है इसको आप छोटा लंबा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। तो हाँ, दिस इज द बैग, आई रियली लव इट। बाय द वे आप इसको निकाल भी सकते हो, स्लिंग बैग का जो ये रस्सी है इसको आप निकाल के इसको बस ऐसे भी लेके जा सकते हो इफ यू वॉन्ट, वॉट एवर इज योर चॉइस, जैसा भी आप चाहो कर सकते हो। सो या दिस इज द बैग, आई रियली लव दिस, एंड स्पेशली मुझे इसका कलर बहुत पसंद है। आई रियली लव सेज ग्रीन, पेस्टल ग्रीन काइंड ऑफ कलर। मैं हमेशा जब भी आई एम स्टॉकिंग एनी आईफोन और एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, कुछ भी मतलब जब मैं स्टॉक करती हूँ ना, तो आई ऑलवेज गो फॉर दिस। तो मैंने सोच के रखा मैं इसी कलर का लूँगी, ठीक है। और अगर नहीं भी ले पाई तो उस कलर का कवर ले लूँगी। तो हाँ, सपने बाद में देखेंगे हम। अभी बैग पे कंसंट्रेट करते हैं। दिस इज़ द बैग, आई लव इट। बेसिकली मुझे सारे बैग्स पसंद है, मैंने पहले भी बोला आई लव ईच एंड एवरी बैग दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ। आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है वो कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सो या दिस इज द थर्ड वन। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड लास्ट वन। इसके बाद मैं आपको सबसे ज्यादा क्यूट वाला बैग दिखाऊंगी। ये लास्ट बैग है जो क्यूट नहीं, मच्योर्ड है, लेकिन अच्छा है, ठीक है। सो दिस इज दिस येल्लो कलर बैग। बाय द वे ये जो येल्लो कलर है, इट हैज गॉट मोर ऑफ अ ब्राउन डार्क टिंट इन इट, अंडरटोन कह सकते हो, बट स्टिल आई एम नॉट अनहैप्पी विद द कलर। आई थिंक इट्स क्वाइट अच्छा है, क्यूट नहीं है कलर, लेकिन मच्योर कलर है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ द बैग इज, जैसा कि आप देख सकते हो। और इस पे ऐसा चेन गोल्ड डिटेल्ड वाला मतलब स्लिंग दिया हुआ है। सो मुझे बस एक ही चीज़ का डर है कि क्योंकि ये सारा गोल्ड डिटेल्ड है, तो अगर ये गोल्ड निकल जाता है, काला काला हो जाएगा, देन इट विल लुक रियली वेरी बैड। ओके, नाउ कमिंग टू द कंपार्टमेंट, इट इज सेम लाइक द ग्रीन कलर बैग। इट हैज गॉट वन सिंगल कंपार्टमेंट और बीच में से ये पार्टीशन टाइप का है, पॉकेट है। सो या एंड इसको भी आप ज़्यादा खींच के इसको ज़्यादा स्पेशियस नहीं बना सकते हो, बट फिर भी क्योंकि बैग काफ़ी बड़ा है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। एंड मटीरियल, अगेन आई डोंट नो व्हाट द मटीरियल इज, बट हाँ, इट इज़ अ गुड मटीरियल। थोड़ा स्पंजी काइंड ऑफ मटीरियल है, और आप इसको लंबा करके एज अ स्लिंग बैग भी आप यूज कर सकते हो, वॉट एवर यू प्रेफर। सो या दिस वन रिटेल फॉर ₹359। सो 359 में काफ़ी अच्छा बड़ा सा बैग है। तो या आई रियली लव दिस वन, इवन दो द कलर इज नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशन, बट स्टिल आई रियली लव इट, एंड मैं इसको रिटर्न तो नहीं करने वाली हूँ। सो या दिस इज द सेकेंड लास्ट बैग। ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट क्यूट बैग ऑफ टुडेज हॉल, इट इज दिस रेड कलर चुटपुसा बैग। एज यू कैन सी इट इज सो स्मॉल, इट इज लाइक द साइज ऑफ माई हैंड, साइज ऑफ माई पाम, इट्स रियली वेरी स्मॉल। बाय द वे व्हेन आई ऑर्डर दिस वन, आई ऑर्डर इट इन द कलर ब्लैक। उसके बाद आई रियली वॉन्टेड टू गेट समथिंग इन कलर ऑरेंज ऑफ द सेम मटीरियल, तो मैंने एक ऑरेंज कलर वाला भी ऑर्डर किया था, बट फॉर्चुनेटली जो ब्लैक कलर मैंने पहले ऑर्डर किया था वो आ गया था नेक्स्ट डे, एंड देन इंस्टेड ऑफ ब्लैक आई गॉट दिस रेड कलर। सो बिकॉज आई गॉट अ रेड कलर, सो आई कैंसल द ऑरेंज कलर वन, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड समथिंग ब्राइट। नाउ कमिंग टू द बैग, दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी सो स्मॉल, आई थॉट कि थोड़ा सा तो बड़ा होगा एटलीस्ट, बट नहीं, दिस इज रियली रियली स्मॉल। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यू नो पीपल, लॉट ऑफ गर्ल्स यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्मॉल क्यूट बैग्स, बट बिकॉज आई फील दीज आर नॉट वेरी लाइक स्पेशियस, तो मुझे नहीं लेना था ऐसा, बट मतलब मुझे चाहिए था मन से, लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं किया था बिकॉज इट्स स्मॉल, बट देन ये आ गया अपने आप में, मतलब जो मैंने ऑर्डर किया वही चुटकुसा आ गया। सो इट्स रियली क्यूट, एंड ये इसमें पर्ल डिटेलिंग दिया हुआ है जिसको आप ऐसे पकड़ सकते हो। तो इसका जो स्लिंग है ये आप निकाल सकते हो, इसको मैंने खुद से लगाया। सो बट अगर आप इसको निकालोगे तो आपको ये बैग सिर्फ ऐसे पकड़ना होगा, तो मैं तो स्लिंग से यूज़ करूँगी, एंड ये बेसिकली लंबा सा स्लिंग बैग टाइप का है। सो या दिस इज़ हाउ द बैग लुक्स, वेरी वेरी क्यूट। और मैंने वो ऑरेंज कलर वाला ऑब्वियसली वो कैंसिल कर दिया है, और इसका जो मटीरियल है थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक प्लास्टिक काइंड ऑफ मटीरियल है, और इतना मतलब ये छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। लाइक इफ़ यू आर जस्ट गोइंग आउट यू नो विथ योर फ्रेंड्स, देन इसके अंदर आप अपने पैसे या कुछ भी डाल सकते हो, बस आपका मोबाइल फ़ोन इसके अंदर नहीं आएगा।
तो या दिस इज प्रिटी मच इट. सो ऑन द वेबसाइट दिस इज व्हाट द बैग लुक लाइक. तो देखते में ऐसा लगता है कि ये थोड़ा बड़ा आएगा, तो मैंने इतना छोटा एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट क्योंकि मुझे मन था एक छोटा बैग लेने का, तो मे बी शायद इसलिए ये आ गया. बट बाकी ओवरऑल जैसा वेबसाइट में दिखाया है बिल्कुल वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. इट्स जस्ट दैट साइज मैंने थोड़ा बड़ा एक्सपेक्ट किया था. बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज आई रियली लव इट. इट्स द मोस्ट क्यूट बैग इन माई होल कलेक्शन. So I really really love this one and it retail for ₹382 जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने ज़्यादा दे दिया है for a small bag like this, but still it's okay because it's cute and it's trending. तो I think कहीं और website से अगर मैं खरीदने जाती तो it would have been more costlier. So yeah, I really love this one. So guys, that's it for today's video. If you guys like this video and if you guys like all the bag collection that I got for myself, then do let me know आपका कौन सा favorite है इन सब में से. मेरा तो सबसे favorite I actually cannot choose, लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा क्यूट ये वाला बैग है. तो दिस हैज़ टू बी लाइक द मोस्ट क्यूटेस्ट एंड ये मेरा फेवरेट तो नहीं बोलूँगी बिकॉज सारे के सारे मेरे फेवरेट हैं. आई कैन नॉट चूज, आई लव ईच एंड एवरी पीस, ईच एंड एवरी बैग, बट दिस वन हैज़ टू बी द मोस्ट क्यूट वन. सो आई रियली रियली लव दिस वन. इसको मैं बहुत संभाल के रखूँगी. सो या डू लेट मी नो विच वन इज़ योर फेवरेट अमंग दिस बैग. एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट आप क्या हॉल देखना चाहोगे मीशो से. आप कुछ भी बोलो, आई ट्राई टू मेक इट ओके फॉर यू गाइज. एंड या इफ यू गाइज आर सीइंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन डू चेक आउट माई अदर वीडियोज. इफ यू गाइज लाइक द कॉन्टेंट एंड वाइब ऑफ दिस चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड द बेल बटन नेक्स्ट टाइम टू इट टू स्टे अपडेटेड अबाउट माई फ्यूचर वीडियोज. और बहुत सारे ऐसे हॉल्स आने वाले, तो बेल बटन दबा के जाना अपडेट रहने के लिए. एंड ऑल्सो गाइस कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर. इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना, ठीक है? वहाँ पे मैं बहुत सारे कॉन्टेंट डालूंगी. एंड या सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू कॉन्टेंट. बाय बाय.